अबे डरो मत, मैं तो आलोक हूँ, कैसे हो तुम लोग? तो ये हमारा वो स्पिनिंग व्हील जिसको हम लोग स्पिन करेंगे और जो भी इसमें कलर आएगा वो कलर की चिट्ठी उठाएंगे और देखेंगे उसमें कौन सा डेयर है हमारे लिए, और वो डेयर हॉरर डेयर होने वाले हैं। तो सबसे पहला व्हील ये घूमने वाला है। ये गड़बड़ है बाबा। भाई रात का टाइम हो रहा है फिलहाल के लिए, और स्पिन द व्हील मैं घुमाने वाला हूँ, और पता नहीं कुछ भी हॉरर चैलेंज आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे हॉरर चैलेंजेस, और देखने वाले इसको कौन सा आता है। हाँ, क्या मैं रेडी हूँ? यस। ओके, मैं चाहता हूँ जो भी है इतना भी खतरनाक ना आ जाए कि मैं खुद डर जाऊँ, और इवन तो आप भी डर जाओ। एक तो मुझे पता भी नहीं चलने वाला कौन सा कलर है, तो जैसे स्पिन करते हैं। ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर आया है बंदे को। तो अभिषेक इसके अंदर से ब्लू कलर का चिट ले ले तू। लेट्स गो, देखते हैं इसके अंदर कौन सा हॉरर चैलेंज आया है। ये तो एक ग्रेवयार्ड आया है। So, इसको ग्रेवयार्ड आया। ग्रेवयार्ड का मतलब इसे अभी जाना है ग्रेवयार्ड में और कॉफिन के ऊपर एक कैंडल रखना है। ये तेरा चैलेंज, हॉरर चैलेंज। मैं अंदर जाऊंगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जाना तो पड़ेगा तुझे। ये है 1 रुपए की कैंडल। अब ये कैंडल को हमको जाना है ग्रेवयार्ड में लेकर, और रखना है हमको इस कैंडल को किसी के ऊपर। मैं बता रहा हूँ किसी का मतलब तुम समझ रहे हो ना, किसके ऊपर। आज इसको जलाते हैं और चलते हैं ग्रेवयार्ड में। 2000 years later. Okay, so we currently are at graveyard, and सच बताओ मेरी फटी पड़ी है, और ये देख सकते हैं मेरे हाथ में कैंडल एंड माचिस है, और जो जैसा कि स्पिन द व्हील के साथ एम आया था, हॉरर चैलेंज आया था, वो मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप जरा देख सकते हैं यहाँ पर कैसा ग्रेवयार्ड है, और कैमरामैन तू आएगा मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। फटी पड़ी है इसकी यार, गद्दार है तू, गद्दार समझा ना, एकदम सोच समझ के हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये रहा मेरे पास कैंडल एंड उसी के साथ माचिस है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हवा बहुत जोर का चल रही है। आप देख सकते हो ये घास इवन दो कैसे हिल रहा है भाई, ये हवा की इंटेंसिटी इतनी है। तो मुझे पता नहीं कि ये कैंडल ब्लो होगा कि नहीं, बट ट्राई करते हैं भाई, और अब भी तो और बढ़ गई है भैंस की। चलो ट्राई करते हैं इसको जला, एक और बार ट्राई करते हैं इसे जला। जल जा, कमन कमन कमन, ये सी, अरे यार जल ही नहीं रहा। एक और बार ट्राई करते हैं लास्ट टाइम, और कांडी भी लास्ट ही बची है, देखते हैं इस बार होता है कि नहीं। पूछो भाई फट रही है। अरे यार अब देखो मेरे पास ना ही बचा है माचिस, और ऊपर से हवा, तो ये जलने का नाम नहीं लेने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भागो बस भाई, ये हो गया वीडियो शूट। So, अब व्हील घुमाने की बारी मेरी है, मैं इस व्हील को घुमाने वाला हूँ, देखते मुझे कौन सा हॉरर डेयर मिलने वाला है। लेट्स गो। मिल जा कोई खतरनाक डेयर, मिले से मजा आ जाएगा जिंदगी में। तो चलो देखते मेरे पे कौन सा कलर आया है। ओ, मेरे पे आया है ग्रीन कलर। अब देखते ग्रीन कलर में कौन सा चैलेंज है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ खतरनाक चीज हो, देखते क्या है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे ये तो येलो है, ये है ग्रीन, देखते ग्रीन के अंदर क्या है। ओह माय गॉडनेस, घोस्ट कॉल। तो घोस्ट कॉल का मतलब ये है कि हम लोग को हॉरर नंबर पे कॉल करना है, भूतों को कॉल करना है, जो हमारे गूगल पे आते हैं हॉरर नंबर उन पे। तो चलो कॉल करते हैं। ओके, रात के फ्राइडे के 3:30 बजने वाले हैं, मतलब तुम लोग देख सकते हो 7 मिनट बचे हुए 3:30 बजने के लिए। लिटरली मैं फट रही है यार मेरी। और ऐसे क्रीपी नंबर से हम कॉल लगाने वाले हैं, जो कि करने के बाद कुछ ना कुछ आपके साथ गलत। ये ऐसे नंबर है जिन पे तुम लोग ने कॉल कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ होना ही है, ऐसा बताया जाता है। तो हमारा पहला नंबर है 9321000000। फन फैक्ट, स्टार्टिंग का 4 नंबर मेरा नंबर है। 9321 तक 5 नंबर मेरे हैं, तो मतलब मैं खुद एक भूत हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं कॉल कर 9321000000। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने नंबर डाल दिया 9321000000। ये नंबर के पीछे क्रीपी स्टोरी ये है, ये नंबर है चाइना का, और इस पे कॉल लगाते ही कुछ ना कुछ आवाजें और कुछ ना कुछ पीछे चिल्लाने की आवाजें, ट्रेन की आवाजें सुनाई देती है, ऐसा बताया जाता है। और ये आवाजें सुनने के बाद हमारे 2-3 दिन में ही कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना होने वाली है, ऐसा बताया जाता है इस नंबर को कॉल करने से। सो इसको कॉल करते हैं। द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है,
कृपया डायल किए गए नंबर। भाई ये नंबर तो चलता ही नहीं है। एक बात बता, और बोल चाइना का नंबर है। हाँ चाइना का नंबर है, 9321 जियो का नंबर है। अरे पागल है क्या, कुछ समझ आ रहा है? बोलते चाइना इंटरनेशनल कॉल लगा रहा है और जियो के नंबर से। ये जियो का नंबर है। सॉरी मैं यहाँ पे नंबर ऐड करना भूल गया, अभी ऐड करते हैं। अभी हम लोग चाइना का कोड निकालने जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया का कोड है +91, यूएसए का कोड है +1, वैसे चाइना का क्या है? चाइना वुहान +86, कोविड इनकमिंग। कॉल करते अभी। ठीक है समरिया। व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल है, व्हाट्सएप इसको वीडियो कॉल करिए नंबर। हाँ हम आज जानेंगे चीन ऐसा कौन सा सच्चाई छुपा रहा है। रुको मैं इस चीज के लिए अपना रिचार्ज भी करवाने के लिए रेडी हूँ, तो रिचार्ज करके देखते हो वो भूत से बात हो पाती है कि नहीं। 1 hour later ओके मैंने इसमें पैसे भरवा दिए भाई, जितने पैसे मेरे पास बचे हुए थे। अभी कॉल करेंगे हम लोग उस क्रीपी नंबर पे। चाइना लेट्स गो। कॉल कर दिया हम लोग ने यहाँ पे। आप स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देख सकते हो। हेलो हेलो, भाई ये कैसी आवाज आ रही है? हवा जैसे कितनी आवाज आ रही है? आराम से तुम लोग सुनोगे, ट्रेन की आवाज आ रही है यहाँ पे, जैसे कि कोई ट्रेन में सफर कर रहा है। हेलो, कोई मेरी आवाज सुन सकता है? हेलो रिप्लाई प्लीज। How are you? I am under the water. भाई वहाँ तो Chinese लोग हैं, उनको कैसी English और Hindi समझेगी? अच्छा। Hello, पूछा छू, train छू, train tron 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 छू छू छू। Train की आवाज आ रही है ना continuously? मैं संभल के आ रहा हूँ। क्या? ये खतरनाक थी, भाई। करके आवाज आई सुअर हो जैसी। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो recording चल ही रही है। है कौन ये? है कौन भाई? किसको कॉल लगा दिया हमने? भाई कब से इसमें ट्रेन चलते जा रहा है? पर ये नंबर काम क्या? पर ट्रेन कैसे चल रहा है भाई? I don't know भाई, मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गोश्त से तो बात हो नहीं पाई, पर यहाँ पे क्रीपी आवाज आ रही थी ट्रेन की, जो कि डरावनी थी। क्या हो रहा है इसको? और यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता, क्योंकि हम लोग तो एक ही नंबर को कॉल किया था। क्या हो रहा पता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से स्पिन करते हैं अपने व्हील को। अब फिर से बारी आ चुकी है मेरी। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले नंबरों पे कॉल किया था, या क्रीपी नंबर पे, और अभी देखते हैं कि कौन सा हमको हॉरर डेयर या चैलेंज आता है। तो मैं इसे स्पिन करने वाला हूँ। ओके लेट्स सी क्या है। एंड ये येलो है या ब्लैक है? येलो आया मेरे साथ शायद, है ना लोग? मेरे को नहीं दिख रहा। अरे येलो आया भाई। अब देखते हैं येलो में कैसा हॉरर चैलेंज है मेरे लिए। भाई कुछ खतरनाक होना चाहिए भाई, मेरे से भी खतरनाक। तो इसे करते हैं हम लोग ओपन, एंड इस बार आया है हॉरर ऐप। मतलब कि अब इसको एक गोश्त वाला क्रीपी सा हॉरर सा ऐप पे जाना है। ये मतलब है क्या? मैं बताऊंगा भाई तेरे को क्रीपी ऐप। दिन भर यही करता रहता है क्या? ये क्रीपी ऐप इतने सारे पता है? कौन कौन से पता है भाई? वैसे हमारे इंटरनेट पे मैंने जब सर्च किया क्रीपी ऐप्स के बारे में, तो मुझे ये वाला ऐप मिला जिसका नाम है टॉकिंग बेन। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को इस पे वीडियोस बनाते हुए देखा। मैंने खुद नहीं देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, जो कि ये बेन लिटरली हॉरर है और ये चीजें बताता है रात को 3-4 बजे तक। और ऊपर से रात का टाइम हो रहा, तो रात के टाइम लोग ऐप ओपन करने वाले, मतलब चलो ट्राई करते, आ जाओ। खत्म। आलोक क्या तू रेडी है? यस। टॉकिंग बेन द डॉग, कुत्ते से बात करेंगे, कुत्ते से। तो आ जाओ ऐप को ओपन करते हैं टॉकिंग बेन। और फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या तू रेडी है एंड्रू भी बनने के लिए? नहीं, मैं रचित्र हूँ। हाउ कैन यू सो
डम। When were you born? पाइडा में 2005 में हुआ। तुम्हारे को देख के मेरा दिल धड़का। पापा पापा पा, हो गया मैं पूरा। टॉकिंग बैन हमारे सामने है बुड्ढे। हाँ देख क्या रहा है भाई, ये देख क्यों रहा है ऐसे? मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने जब ऐसा किया उससे भी वैसा किया। ये कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रही है। भाई हम लोग ने परमिशन माइक्रोफोन का दिया था, पर ये तो कैमरा भी देख रहा है। एक और बार ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार तो मैंने किया ही नहीं कुछ। अभी वो हिल रहा है अभी। अगर ये हमारे सभी एक्शन को कॉपी कर रहा है तो इसको भी कॉपी करना चाहिए। भाई 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 भाई, इसको किसी नहीं आती यार, क्या आती है इसको आलू? बात तो सही है। 2:30 हो चुका है भाई और ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। देख रहे हो कैसे आ रहा है बार बार? इससे सवाल और जवाब पूछते, देखते क्या ये सच बताएगा। What? ये हंस रहा है। हमने अभी इस पापी गुड़िया को कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद हम इसको पूछने वाले हैं कि भूत यहाँ पे है क्या? यहाँ पे कोई भूत है? Yes. जेन्युइन सवाल, क्या ये लड़का है? नहीं। अरे हंस रहा है भाई, तू खुद को देख ले, टेडी बियर, जेंडर तेरा स्पेसिफाइड नहीं है अभी तक। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है बेन, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये, क्या तू अभी जिंदा है? मुझे जानना है क्या असलियत में भूत होते हैं? लाइक लोगों का मानना है कि भूत होते हैं इस दुनिया में, क्या तुझे लगता है कि भूत होते हैं? Yes. पड़ गई। क्या हम जिंदा बचेंगे? Yes. हम स्पेशल है, हम बेन से बात करें इसलिए जिंदा रहेंगे। आप लोग का क्या होगा? रुको रुको, मैं एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे? मेरा एक क्वेश्चन है, एनाबेला डॉल के बारे में तू जानता होगा, एनाबेला डॉल कितनी बड़ी मिस्ट्री है, तो क्वेश्चन ये है, क्या एनाबेला डॉल सच्ची में एग्जिस्ट करती थी? Yes. अच्छा ये एक चीज बता, क्या छोटा भीम ढोलकपुर में रहता है? Yes. इसको कैसे पता? ये कार्टून कैसे देख सकता है? कार्टून देख सकता है? कार्टून कैसे देख सकता है? टुनटुन मौसी को राजू पसंद था। मिस्ट्री सॉल्व। ये फैक्ट बोल रहा है, ये फैक्ट बोल रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या तेरा कोई एनाबेला डॉल या फिर कोई भी ऐसे श्रापित डॉल के साथ कनेक्शन है? Yes. किससे बात कर रहे हैं हम रात के 2 बजे? मेरी एक्चुअली में फट रही भाई, ये पंखा बंद करो यार, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली में। डर तो बहुत लग रहा है। क्या हम मुंबई में रहते हैं? Yes. What? इसको कैसे पता? हम तो पाकिस्तान में नहीं रहते, मुंबई में ही रहते हैं। अभी तो आपको मेन ट्विस्ट मिलने वाला है, क्यों है ना आलोक? या क्योंकि अभी 2 से 3 बज चुके और 3 बजे ये गेम का स्पिरिट जाग जाता है, एंड अभी के टाइम पे ये राक्षस से बातें करता है भाई। बिलीव नहीं हो रहा? अरे टाइम देख लो तुम, ये देखो टाइम कितना हो रहा है, बस 3 बजने ही वाले, तुम लोग देख सकते हो। और 3 बजे माना ये चाहता है कि ये जो बेन है वो श्रापित बातें करता है। चलो इसको ट्राई करते हैं, मतलब कि अभी इस स्टॉर्म से हम लोग कोई भी चीज के बारे में पता लगा सकते हैं, हर एक चीज, हर एक वो अनसॉल्व मिस्ट्री जो हमें नहीं पता। रुको रुको, अभी इससे खतरनाक सा सवाल पूछते हैं जो कि हमें जानना है। मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है वो। अच्छा, क्या हम लोग मरने के बाद भूत बनते हैं? खुद बिल्डिंग से कुदी मार के देख ले। ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, इसको कैसे पता कि हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं? ओबियो भाई, कोई ये कैमरा को लेके जाके दिखाओगे सामने खिड़की हमारे? भाई भाई भाई, ये खतरनाक था। बिल्डिंग का कैसे पता भाई? ये बिल्डिंग का कैसे जान सकता है? ओबियो खिड़की के पास जाओगे तो तुम सच में गिर जाओगे। तो अभी मेरी बारी है, मेरी तो अभी फटी पड़ी है क्योंकि अभी कुछ खतरनाक सा ना आ जाए। लेट्स गो, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको घुमाने के लिए। ये ब्लैक आया है, मतलब मेरे को लग रहा है सबसे खतरनाक। चलो देखते हैं हमारे ब्लैक चीट के अंदर क्या चीज लिखी हुई है। ओ माय गॉड, काले पेपर में काले रंग से लिखा हुआ है ब्लडी मैरी। तो तुम लोग को मैं ब्लडी मैरी चैलेंज के बारे में बताता हूँ। ब्लडी मैरी चैलेंज में हम लोग को करना ये होता है कि हमें शीशे के सामने जाके 3 बार ब्लडी मैरी बोलना रहता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लडी मैरी का मतलब क्या होता है, ये कौन है।
बेसिकली ये इंग्लैंड की एक लेडी है और एक क्वीन है, मतलब क्यून है नहीं, क्यून थी। वो क्वीन की प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, और डॉक्टर से चेकिंग करवाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कभी भी बच्चा नहीं होगा। इसके लिए वो क्यून ने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से बात की और उसे पता चला कि काला जादू करने से उसे बच्चा होगा। इसके लिए वो काला जादू करने लग गई, एंड यही बात उनके टाउन वाले को पता चल गई तो उन्होंने उस क्वीन को जिंदा जला दिया। पर वो क्वीन मरते मरते ये बोली कि वो वापस आएगी। इसलिए जब भी कोई भी रात को 3 बजे शीशे के सामने ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलता है तो वो सच में आ जाती है या कोई हरकत करती है। तो ये चीज हम भी ट्राई करने वाले यार, तो चलो ट्राई करते हैं, देखते ऐसा होता है कि नहीं। ओके, मैं ये चीज करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी।